पहन सकता है कोई भी, ठीक है। इसी तरह जो है मर्दों के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, सिर्फ एक चांदी की अंगूठी। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी चांदी की पहनी थी वो एक्चुअली हकीकत में एक मोहर थी, मोहर समझते हैं, स्टैम्प था। उसके लिए जो रिवायत आती है वो इस तरह से, सही बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम को खत लिखना चाहा, ठीक है, रूम के बादशाह को, रोमन जो एम्परर था उसको खत लिखना चाहा। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये जो बड़े जो बादशाह शाहान होते हैं ये बगैर मुहर के कोई खत और खतूत या चीज़ों को कबूल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, मतलब ये बगैर सील के एक्सेप्ट नहीं करते हैं? तो कहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है फिर बना दो। आपको एक चांदी की अंगूठी बनाकर ला के दी गई जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को पहन लिया। समझा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ये बादशाह सलातीन, बड़े बड़े जो बादशाह ये एक्सेप्ट नहीं करते कोई लेटर जब तक कि उस पर सील या मोहर ना हो। आपने कहा ठीक है लाओ। आपको एक मोहर बना के ला के दी गई जो चांदी की अंगूठी की शक्ल में थी और उसके टॉप में जो है लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथ में पहन लिया। याद रखिए, समझ रहे बात को। तो इससे उलमा लिखते हैं कि कोई इंसान चाहे तो चांदी की अंगूठी पहन सकता, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने अमल किया और किसी ने एक दूसरे को नहीं रोका। सादी अंगूठियां पहनी उन्होंने, वो मोहर नहीं थी उनकी, हालांकि किसी ने नहीं कहा। इससे पता चला ये सुन्नत हो जाता है, जो कि सहाबा का इस पर इत्तेफाक है कि उन्होंने पहना उसके बाद, ठीक है। आप चाहे तो अंगूठी पर अपना नाम भी लिखा सकते हैं, चूंकि आप सबकी अंगूठी पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह और वो स्टैम्प पर मोहर था। आपको अगर ये बात आज ना समझ रही कि अभी स्टैम्प वो रबर की और वगैरह आते हैं ना, या डिजिटल सिग्नेचर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको, आप में से बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 1960-70 तक भी जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में थे मोहर जनरली अंगूठी की शक्ल में ही हुआ करती थी। आप लोग पूछिए जो वजीर बादशाह वगैरह या इस तरह का ज़मींदार वगैरह होते थे, अंगूठी होती थी, जैसी कुछ होता था वो निकाल के अंगूठी देते थे। इसीलिए आप रिवायतों में सुनते ना, एक बादशाह जो है फ़कीर से मिला, फिर उसने कहा कि अंगूठी रखो मेरे पास आना, वो अंगूठी एक्चुअली इस टाइम तस्दीक नाम होती थी, और उसका डुप्लीकेशन करना वो ऐसा जुर्म था कि उस सजा मौत मिल जाती थी। वो अंगूठियाँ इतनी इंपॉर्टेंट होती थी, उसको डुप्लीकेशन, जैसा इंडियन स्टैम्प्स होते ना, आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते, अगर पकड़े गए तो बहुत सख्त जुर्माने और सजाएं हैं, तो वैसे हुआ करती थी। तो वो दे देते थे निकाल के, रिवायतों में आप सुनते ना अंगूठी निकाल के बादशाह ने निकाल लेकर आना, एक्चुअली वो अंगूठियाँ मोहर हुआ करती थी, उसमें सील्स हुआ करती थी, ठीक है। तो मोहर होती थी, लोग हाथों में पहनते थे, जब जरूरत निकाला स्टैम्प के जैसा उसको मारा, ठीक है, और उसके बाद वो रख लिया। तो मोहर थी, याद रखिए नबी अकरम, तो इससे पता चला कर सकते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोहर को उमूमन उल्टा पहनते थे, सील को अंदर डाल देते थे इधर उसका हिस्सा। इसीलिए बहुत सारे उलमा लिखते हैं कि अगर अंगूठी पहनना है तो ऊपर का हिस्सा नीचे कर देना, हालांकि आप सील नहीं हो, फिर भी चूंकि आप सब उल्टा पहनते थे इसलिए वो क्या करते, ऊपर कुछ बड़ा होता है ना अंगूठी पर जनरली, उसको नीचे कर देते हैं और नीचे का हिस्सा ऊपर करते, चूंकि आप सब की मोहर थी और आप उल्टा पहनते थे, उसको ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा, ठीक है।